सो आवर क्वेश्चन इज द एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर आर 3/2 एंड 4/3। मतलब जो एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है ग्लास स्लैब का, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ये तो एब्सोल्यूट मतलब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का साइन होता है, और किस चीज का आपको गिवन है आपको उसे नीचे लिखना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ग्लास का लिख रहा हूं, जो कि हमें गिवन है कितना, 3/2। ये है ग्लास स्लैब का एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। और एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इसको कैसे लिखेंगे, NW, क्या है, 4/3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कहा गया है इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁻¹। मतलब जो लाइट रेज है जब वो ग्लास में एंटर करेगी तो किस स्पीड से करेगी, वो स्पीड इन्होंने आपको दे दी है, जिसको हम डिनोट करते हैं VW से। ठीक है, इन्होंने कहा है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो ग्लास की स्पीड इन्होंने आपको दे दी है, जो कि है 2 × 10⁸ m/s। अब इन्होंने आपसे पूछा क्या है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट। आपको स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करनी है किसमें, एक तो आपको फाइंड करनी है वैक्यूम में, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम c से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सेकेंड चीज इसमें क्या कहा है, आपको वाटर में भी स्पीड ऑफ लाइट फाइंड करनी है, तो ये चीजें आपको फाइंड करनी है। आपको एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पता है तो आप इसका ही फॉर्मूला लगाएंगे आपको, जो कि पता होना चाहिए। सो एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, जिसका भी आपको गिवन है, जिस तरह एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आपको गिवन है, तो हम यही लेते हैं पहले, इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। अब और यहां पर मीडियम कौन सा है, ग्लास स्लैब। ठीक है, चलिए स्पीड ऑफ लाइट और वैक्यूम को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास स्लैब आपको क्या है, गिवन। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट ये रही, इसको लिख दीजिए 2 × 10⁸। एनजी आपको गिवन था 3/2, 3/2 इक्वल्स टू सी अपॉन 2 × 10⁸। 2 से 2 कट जाएगा एंड सी आपको आ जाएगा कितना, 3 × 10⁸ m/s। ये यूनिट हमने इसलिए लगाई है बिकॉज हम स्पीड निकाल रहे हैं। ठीक है, सो हमारी स्पीड ऑफ लाइट मतलब हमारा फर्स्ट पार्ट तो हो गया। अब आपको फाइंड करनी है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो उसके लिए आप इस चीज का यूज लीजिए। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का ही फॉर्मूला लगाना है। एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आपको गिवन है, इसका ही फॉर्मूला लगाना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, और मीडियम यहां पर क्या है, वाटर। तो वाटर का आपको फाइंड करना है, तो इसको लिखते हैं वी अपॉन मतलब VW। ठीक है, W छोटा सा साइड में लगाना होता है, NW आपको गिवन है कितना, 4/3, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आपने अभी भी फाइंड किया फर्स्ट पार्ट में, क्या है, 3 × 10⁸, यहां पर इंटू नी इक्वल्स टू आएगा अपॉन VW। अब सिंपल कैलकुलेशन बची है, VW अपॉन 3 × 3 = 9 हो जाएगा, × 10⁸ अपॉन 4। अब आपको सिंपली इसका कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन कर आपका आ जाएगा ये समथिंग 2.25 × 10⁸ m/s। ये m/s इसलिए लगाने बिकॉज स्पीड है। सो आपका ये रहा फर्स्ट पार्ट, ये रहा सेकंड पार्ट। फॉर्मूला वही लगाना जिस हिसाब से आपको क्वेश्चन गिवन है, अगर यहां पर कोई एंगल वगैरह आपको गिवन हो जाता तो वो लगता स्नेल्स लॉ। ठीक है, चलिए। और अगर आप रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के कई सारे क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो इसी तरीके से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, आप पूरा का पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं।